समय की के कौन के और राजा नल वहां से चल देता है और बियाबान की तरफ में राजा नल दोनों बच्चे उसके मामा के भेज दिए कुंदनपुर। चलते चलते जोर की दमयंती को प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है। राजा नल से अरदास करती है कि महाराज मेरे को बड़े जोर की भूख और प्यास लगी है, कुछ खाने को चाहिए। सजनों राजा नल बियाबान में जंगल में घूमता कुछ देखे लेकिन कोई चीज दिखाई नहीं देती खाने के लिए। कलयुग ने वहीं पर फिर अपना रूप दिखाया, दो मारूपी तीतर बन के राजा नल के सामने घूमते हैं। राजा नल का मन ललचा दिया कि इन तीतरा ने पकड़ ले, एक ने भून के रानी खा लेगी, एक ने तू खा लेगा, दोनों के तीन दिन फिर गुजर जाएंगे। राजा नल ने अपनी धोती खोल के उन तीतरों पर भगा दी। मारूपी तीतर थे, उन धोती को लेकर आकाश में उड़ जाते हैं। एक बड़े की ओट में राजा नल खड़ा हो जाता है। इधर सेवा दमयंती आवाज लगाती है कि महाराज मेरे सामने आओ। नवदर सामने तो आ जाऊं, तेरे सामने आने जोगा सू तो कौन। के बात, एक बात के द्वारा राजा नल दमयंती से क्या कहता, क्या बता दे। सत्यवान के संग जंगल बियाबान में उसे डेरे के अंदर पहुंचती है। तवा मस्यावत्री अपनी सासू के चरण लेती है। मतवा उसको क्या क्या समझाती है और वो उसको मैं क्या बताती है। आ
ਤਾਰੇ ਹੋ ਕੇ
Thank you.
الله.